हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आई एम शर्मिला एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल डिसीज। लास्ट वीडियो में हमने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात की थी। आज हम उससे रिलेटेड कुछ डिसीज है जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे तीन सिंड्रोम के बारे में हमें बात करनी है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम ये टर्मिनोलॉजी क्यों यूटिलाइज की गई है डिसीज के बदले, पहले इसको हम समझ लेते हैं। सिंड्रोम मतलब ऐसी कंडीशन बेटा कि जो आपकी बॉडी में मल्टीपल डिसीज को कैरी करने के लिए जगह देती है, मल्टीपल डिसीज होने की पॉसिबिलिटी उस समय बढ़ जाती है, वो कंडीशन आपकी सिंड्रोम कहलाती है। जैसे कोई डिसीज़ अगर आपका पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है, इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी। और इम्यून सिस्टम अगर वीक हो जाती है तो कोई भी डिसीज़ अगर सिंपल्स वायरल जो है आपको, वो भी इजीली अटैक कर सकता है आपकी बॉडी में। मीन्स आपकी बॉडी मल्टीपल डिसीज़ को कैरी करने के लिए फ्री है, दैट कंडीशन वी कॉल द सिंड्रोम। इसलिए ऐसे ग्रुप ऑफ डिसीज़ को सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम इज़ नथिंग बट द ग्रुप ऑफ द डिसीज़। तो क्रोमोसोम से रिलेटेड कौन से ऐसे डिसऑर्डर है जो हमारी जेनेटिक जनरेशन के द्वारा या जेनेटिक मेकअप के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन पर ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। मे बी क्रोमोसोमल डिसीज़ आपके ऑटोसोमल हो सकते हैं, मे बी वो सेक्स क्रोमोसोमल हो सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोम से अगर लिंक्ड है तो सेक्स क्रोमोसोमल होंगे, और अगर ऑटोसोम से लिंक्ड है तो ऑटोसोमल होंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज फर्स्टली एक्सप्लेन बाय लैंगडॉन डाउन इन 1866। ये सिंड्रोम हमारा लैंगडॉन डाउन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था। व्हाट हैपन इन दिस कंडीशन, देयर इज अ ट्राइसोमी ऑन 21 क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑन 21 क्रोमोसोम क्या होता है? जनरली हमारे क्रोमोसोम पेयर्स में मिलते, कभी भी बॉडी में सिंगल क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। सिंगल क्रोमोसोम सिर्फ गमेट के दौरान मिलते, गमेट फॉर्मेशन के दौरान। तो जब हमारे क्रोमोसोम पेयर्स में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके किस नंबर में रहेंगे, इवन नंबर में होंगे। ऑड नंबर की तो पेयर बनती है नहीं, इवन नंबर में रहेंगे। बट क्या हो जाता है, ह्यूमन बॉडी में अगर 21वां जो क्रोमोसोम है, 21 वाला जो क्रोमोसोम है जो ऑटोसोम के अंदर आता है, क्योंकि 23rd जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम है, अगर 21 वाला क्रोमोसोम ऑटोसोम उसके ऊपर एक और क्रोमोसोम आके लग गया, तो नॉर्मली पेयर होनी थी बट एक क्रोमोसोम और आ गया, तो ये कंडीशन होगी ट्राइसोमी कंडीशन। तीन ने अपनी पेयर बनाई, तीन क्रोमोसोम ने अपनी पेयर कंडीशन बनाई, दैट वी कॉल ट्राइसोमी। तो नॉर्मल हमारे पास था 2N मींस 46 क्रोमोसोम, उसकी पेयर करेंगे तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बट उसके अंदर एक ऐड होने की वजह से वो क्या हो गया, 47 क्रोमोसोम। सो दैट कंडीशन वी कॉल द मंगोलियन आइडोसी, उसी को हम कंडीशन को बोलते हैं मंगोलियन आइडोसी। सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिसीज़ के, मेन सिम्टम्स है फेस मून लाइक राउंड। जो भी पर्सन इस डिसीज से इफेक्टेड है उसका चेहरा पूरा राउंड होता है, मून लाइक एकदम राउंड शेप में। माउथ ओपन एंड लोअर लिप हैंगिंग एंड टंग प्रोट्यूडिंग। माउथ ओपन, हमेशा उनका मुंह खुला ही रहेगा, मुंह खुला रहेगा, ये जो लोअर लिप है नीचे की तरह हैंग रहेगा और जीभ थोड़ी सी बाहर रहेगी, जो टंग है आपकी थोड़ी सी बाहर रहेगी इस फॉर्म में। तो नेक स्मॉल एंड वेव्ड, नेक रीजन बहुत ही छोटा होगा, कभी कभी तो वो दिखाई भी नहीं देगा, एकदम ऐसा लगेगा कि गर्दन आपकी धड़ के साथ चिपकी हुई है, नेक का रीजन बहुत ही वेव्ड लाइक लगेगा। पाम बॉर्डर विथ द स्मॉल फिंगर्स, आपकी जो पाम एरिया है इसमें फिंगर्स की जो लेंथ है वो बहुत ही छोटी छोटी होगी, मतलब फिंगर्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है। एंड नोज फ्लैटेंड एंड ईयर मालफॉर्म्ड, नोज़ आपका बड़ा सा चपटा सा दिखाई देगा फ्लैटन, एंड ईयर्स का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, तो नॉर्मल बॉडी शेप की तुलना में ईयर्स की साइज बहुत ही छोटी होगी। एंड दैट पर्सन इज़ मेंटली रिटार्डेड, मींस ओवरऑल जो लुक होगा वो उनका मेंटली रिटार्डेड पर्सन की तरह लुक दिखाई देगा। दिस इज़ रिलेटेड टू द डाउन सिंड्रोम। होता कब है, कौन से क्रोमोसोम पे होता है, 21 क्रोमोसोम के ऊपर ट्राइसोमी होती है, तो वो होता है ये ऑटोसोमल डिसीज़ है। नीट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो स्मॉल उससे रिलेटेड MCQs बन सकते हैं, और ऐसे भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट वी कॉल द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम।
The second one is clean filter syndrome, that we also call the gay person. गे पर्सन के बारे में बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा बेटा, इंग्लिश विंग्लिश जो मूवी थी श्रीदेवी की, उसमें उसका जो इंग्लिश टीचर था वो एज अ गे पर्सन था. उसने वहाँ पे आइडेंटिफाई बोला भी था कि एज अ गे पर्सन. सो व्हाट कैरेक्टर्स आर फाउंड इन देयर बॉडी एंड दैट टाइप ऑफ द डिसीज़ वी कॉल्ड द क्लीन फिल्टर सिंड्रोम. ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज़ है, मीन सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है. तो नॉर्मल कंडीशन में अगर एक्स एक्स है तो वो जो न्यू जनरेशन बनेगी वो डॉटर होगी, और अगर एक्स वाई है तो जो न्यू जनरेशन बनेगी वो सन होगी. बट इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्स एक्स वाई तीन क्रोमोसोम की ट्राइसोमी बन जाती है. एक्स एक्स वाई मीन्स दो एक्स है एंड वाई भी है, मीन्स मेलनेस का भी कैरेक्टर से एंड फीमेलनेस का भी कैरेक्टर से. मीन्स द बॉडी इज मेल विथ फीमेल कैरेक्टर. ऐसी बॉडी जो बॉडी मेल की है बट उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके फीमेल के डेवलप हुए. मेल विद द सम फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द फीलिंग लाइक अ फीमेल, फीलिंग जो रहती है उनकी फीमेल जैसी दिखाई देती है, उनकी बोलना, उनका चालना, उनकी चाल ढाल जो जैसे फीमेल जैसी रहती है, उनको फीमेल की तरह सजना संवरना रहना पसंद होता है. इन फीमेल आउट ऑफ 2x क्रोमोसोम ओनली वन इज द फंक्शनल क्रोमोसोम. जो फीमेल के पास 2x क्रोमोसोम है बेटा, उसमें से सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल रहता है जो डॉटर के बॉडी में या सन की बॉडी में ट्रांसमिट होता है और पर्टिकुलर आपका जो जेंडर है उसको रिप्रेजेंट करता है. सो वॉट अबाउट द सेकंड, सेकंड जो रहता है इट इज़ नॉन फंक्शनल, एंड इट नॉन फंक्शनल इज नथिंग बट द डार्क स्पॉट इन द न्यूक्लियर मटेरियल. न्यूक्लियर मटेरियल में ही एक डार्क स्पॉट के फॉर्म में रहेगा वो, एंड दैट कंडीशन वी कॉल्ड बार बॉडी. बार बॉडी नेवर ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन में बार बॉडी ट्रांसफर नहीं होती है, बार बॉडी से कोई भी जेनेटिक मेकअप नहीं बनता या कुछ भी नया कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट नहीं होता. जो आपका जेंडर डिस्क्राइब होता है वो एक ही क्रोमोसोम के द्वारा डिस्क्राइब हो जाता है जो फीमेल बॉडी में एक आपका फंक्शनल कंडीशन में रहता है. तो ये कहाँ से आया, ये मेल बॉडी से दोनों आपके ट्रांसमिट हो गए और एक फीमेल बॉडी से ट्रांसमिट हो गए, जिसकी वजह से बॉडी तो मेल की होगी बट फीलिंग्स या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो आपके फीमेल के डेवलप होंगे उस पर्सन में, एंड दैट पर्सन वी कॉल्ड द गे पर्सन, एंड दैट डिसीज़ वी कॉल्ड द क्लीन फिल्टर डिसीज़ और सिंड्रोम. सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज़ है. Now we move towards the third one. It is the last disease in your NCERT topic given related to the chromosomal disorder, and that is the Turner syndrome. The third disease of the chromosomal disorder is Turner syndrome. Turner syndrome is it is the genetic makeup of the female is XO type. हमने देखा है कि फीमेल में एक्स एक्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रहते हैं, सेक्सुअल जेनेटिक मेकअप रहता है, तो उसमें से एक एक्स तो आपका बार बॉडी रहता है, एक ही फंक्शनल एक्स रहता है, और अगर वो भी फंक्शनल आपका प्रेजेंट नहीं है तो दैट फीमेल वी कॉल्ड द स्टराइल फीमेल. उस फीमेल को हम बोलते हैं स्टराइल फीमेल. ऐसी फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर नॉट नॉर्मल. ऐसी फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके नॉर्मल कंडीशन में रन अप नहीं करते, और जब हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बेटा डेवलप होते हैं तभी तो जाके प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके दिखना स्टार्ट होते हैं या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. बट ऑब्वियसली अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ही आपके प्रॉपर नहीं है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो आपके प्रॉपरली डेवलप होना पॉसिबल ही नहीं है. वहाँ पे जीन्स ऑन द वाई क्रोमोसोम कॉल्ड द होलेंट्रिक जीन्स मेल से रिलेटेड टर्म है, क्योंकि मेल बॉडी में सिर्फ वाई क्रोमोसोम इकलौता क्रोमोसोम है जो सिर्फ मेल बॉडी में पाया जाता है. दैट्स वाई इट वी कॉल्ड द होलोंट्रिक जीन. जीन ट्रांसफर फ्रॉम द फादर टू सन एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स. अगर ऐसा जीन जो फादर से सन की बॉडी में ट्रांसफर होता है, कौन सा, वाई क्रोमोसोम, क्योंकि वाई क्रोमोसोम फीमेल बॉडी में तो प्रेजेंट होता नहीं, तो अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड कोई जीन होगा, कोई डिसीज़ होगा, तो ऑब्वियसली वो डिसीज़ सिर्फ सन में ट्रांसमिट होगा, डॉटर में ट्रांसमिट नहीं होगा. जीन ऑन द ऑटोसोमल बट एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड बाय द सेक्स हार्मोन. जीन कैसा है, ऑटोसोमल जीन है बट उसका हार्मोन जो सॉरी सेक्स हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन या उसका कंट्रोल करता है. तो जेनेटिक मेकअप क्या होगा, आपकी जो टर्नल फीमेल है उसका, टर्नल सिंड्रोम जो रिलेटेड फीमेल है उसका, नॉर्मली एक्स एक्स रहता है, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल मेल लिया एंड एक्स ओ फीमेल. एक्स ओ इसलिए लिया क्योंकि वन क्रोमोजोम आपका नॉट इन प्रॉपर वे. सो इसके गमिट इस तरह के फॉर्मेशन होंगे, आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे नॉर्मल डॉटर, स्टराइल डॉटर,
एंड नॉर्मल सन, एंड वाई के साथ ओ का तो कोई कॉम्बिनेशन होना ही नहीं, क्योंकि ओ इज़ नथिंग बट द नथिंग ऑफ द जीन, कोई जीन ही है नहीं आपका, तो ये कॉम्बिनेशन वहाँ पे नहीं होगा. तो ये जो फीमेल बन रही है दैट इज़ द स्टराइल फीमेल. तो स्टराइल फीमेल में बॉडी के सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, टर्नल सिंड्रोम के अंदर फीमेल अगर जाती है तो उसके बॉडी के सिम्टम्स क्या होंगे. फर्स्ट, शॉर्ट स्ट्रक्चर, नॉर्मल की तुलना में उसकी हाइट जो रहेगी वो छोटी रहेगी, बोना कह सकते हम. वेव्ड नेक, नेक की साइज़ बहुत ही छोटी होगी, यहाँ पे गर्दन और आपका ट्रंक का पार्ट जो बॉडी पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगा, मे बी वो जुड़ा हुआ ही प्रतीत होगा. वेव्ड नेक एंड इनफर्टाइल जेनाइटल ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जेनेटिक ऑर्गन है, दैट इज़ ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल, तो वो आपका प्रॉपर रिप्रोडक्शन उसका या प्रॉपर ग्रोथ हम बोलेंगे प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन एज वेल एज इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन. एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स ऑल्सो नॉट डेवलप्ड. तो इन केस ऑफ फीमेल बॉडी द वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर इज द स्ट्राइकिंग ऑफ द MC, मेनस्ट्रुअल साइकिल. जब फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी के बाद मेनस्ट्रुअल साइकिल स्ट्राइक हो जाती है दैट कंडीशन वी कॉल्ड मेनार्च, और मेनार्च डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, मेनार्च स्टार्ट हो जाता है देन ही उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है दैट इज़ द ओवरीज वो डेवलप होना रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, एंड वन बाय वन आपकी रिलीज होती है हर मंथ में, एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन. वही रिलीज जो प्रोसेस है उसकी ओवुलेशन की प्रोसेस है वही रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट यहाँ पे MC ही उस स्टूडेंट के जो बच्चा है या जो फीमेल है उसकी MC ही प्रॉपर नहीं है, MC ही रेगुलर नहीं आती, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ही डेवलप नहीं हुए, तो ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी वहाँ पे डेवलप नहीं होंगे, एंड दैट फीमेल वी कॉल्ड स्टराइल फीमेल, मतलब ऐसी फीमेल जो कभी भी किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती. दिस इज़ अबाउट द टर्नल सिंड्रोम. तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर हमने तीन सिंड्रोम पढ़े हैं, डाउन सिंड्रोम दैट वी कॉल ट्राइसोमी ऑन 21 क्रोमोसोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम दैट वी कॉल द गे पर्सन मीन्स द मेल बॉडी विद द फीमेल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, एंड द थर्ड वन द टर्नल सिंड्रोम विच इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर द फीमेल, ऐसी फीमेल जो स्टराइल है. क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है मेल से रिलेटेड है, टर्नल सिंड्रोम जो है फीमेल से रिलेटेड है, ऐसी फीमेल जो स्टराइल है जिसकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते जिसकी वजह से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते, एंड दैट फीमेल इज़ नॉट एबल टू गिव द बर्थ टू द बेबी. दिस इज़ अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करेंगे. थैंक यू.